जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कमरान और आप देख रहे हैं द रेल न्यूज़। तो दोस्तों आज आपके लिए न्यूज़ लेके आया है जो कल मैंने कॉमेडी टाइप पे अनाउंस किया था सेम कि गुवाहाटी पे इलेक्ट्रिक ट्रेन कब जाएगी। फालतू का बतौला ना करते हुए आप लोग से बस यही बात करना है। दूसरी बात, अगर आप लोग अकलमंद हो जो मेरे वीडियोज़ देखते हो और जो नहीं देख रहे दोनों नए वो उनके लिए भी कि अगर आप अकलमंद हो तो काइंडली बताना, मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ कि हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में कितने स्टेशन पड़ते हैं, कौन कौन से जंक्शन पड़ती है और ये जंक्शन रूट कहाँ कहाँ के लिए जाती है। इसके ऊपर एक नई वीडियोस लाने जा रहा हूँ। तो इसी टाइप का ऐसे हावड़ा टू डिब्रूगढ़, हावड़ा टू गुवाहाटी और सभी प्रकार के रूट के ऊपर वीडियो लाऊंगा। तो कमेंट करके जरूर बताना कि वैसा वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो मैं बनाऊंगा और कम्युनिटी पोस्ट पर भी वोटिंग्स के लिए डाल दूंगा। और आज की जो टॉपिक है, तो टॉपिक का ये जो अनुमान है उसके बारे में आपको बता दूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है, और कमेंट करना जरूरी है भाई। चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं इस तरह से वीडियोस आपके लिए रोजाना लेकर आता हूँ। और आप लोगों को बता दूं कि मुझसे जुड़ने के लिए और ट्रैवलिंग अपडेट्स पाने के लिए रेल न्यूज़ 24 को फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर मुझे लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने अनाउंस कर दिया कि अब इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने के लिए हो गई है तैयार हमारी कटिहार टू गुवाहाटी रूट। जी हाँ दोस्तों, अब जो है दिल्ली टू आसाम की कैपिटल दिसपुर को कनेक्ट करेगी हमारी इंडियन रेलवे विद इलेक्ट्रिक ट्रेन। तो मैं दिसपुर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि दिसपुर का मेन स्टेशन जो है गुवाहाटी ही हो गया, तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये कनेक्ट होगी इलेक्ट्रिक ट्रेन से। तो रेलवे ने पूरी हरी झंडी दे दी है, ये आप पढ़ लो, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से आया है। तो अब जो है बात यहाँ पे ये उठता है कि कब चलेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो उसके बारे में बता दो। जैसे मैंने ऑलरेडी वीडियोस पहले बनाया था, अगर आपको यकीन ना हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख लो, मैंने बताया था आप लोगों की पूजा में, दुर्गा पूजा में या फिर दिवाली तक हमें मिलेंगे ई लोको गुवाहाटी में। तो बस दिवाली तक रुक जाओ, अब हरी झंडी मिल गई है, अब डायरेक्ट सैंक्शन होती जाएगी लोकोमोटिव्स, आपको गाजियाबाद का P7 मिल जाएगा आपकी गुवाहाटी स्टेशन में, डिब्रूगढ़ राजधानी। तो जितनी भी ट्रेन से आप ई लोको के साथ चलेगी, हावड़ा शियालदह की तरफ से भी बढ़ेगी गुवाहाटी तक। अब जो है दूसरी बात यह है कि जो ऐसे लोकोमोटिव हमारी NCB में चेंज हो रही थी, न्यू कोच बिहार में, तो उसका जो है ये अब चेंजेस हो गया, मतलब अब गुवाहाटी में डायरेक्ट चेंजेस होगी। उसके बाद जब लंगडिंग तक जो है पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, तब लंगडिंग तक हमारा जो है ये ट्रिप शेड बन जाएगा कि हर लोकोमोटिव का इंजन चेंज होगा, जो डिब्रूगढ़ तक जाती है वो लंबिंग सेक्शन बन जाएगा। फिलहाल अभी ये NCB से गुवाहाटी शिफ्ट हो रही है। तो फिर खुशी की बात यही है कि अनाउंसमेंट हो चुका है इंडियन रेलवेज की तरफ से, हरी झंडी मिल गई है, लैंड का क्लियरेंस हो गया है, इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी हो गई है। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन आपको इस महीने से अक्टूबर नवंबर के बीच में इलेक्ट्रिक ट्रेन मिल जाएगी। कौन कौन सी ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन के साथ चलने वाली है, मतलब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ, उसके बारे में आपको वीडियो ला के बता दूंगा या कमेंट पोस्ट पर डाल दूंगा। तो आप लोग वहाँ से पढ़ लेना कि कौन कौन सी ट्रेन है जो गुवाहाटी रूट पर, मतलब गुवाहाटी तक आने वाली है ई लोगों के साथ। तो ये रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो ये मैंने न्यूज़ आप तक पहुंचा दिया। और भी ढेर सारे में वीडियोस देखने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा, टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और टॉपिक के बारे में जरूर कमेंट करके बताना कि वैसी वीडियोस लानी है कि नहीं लानी है, कि हर रूट पे कितने जंक्शन पड़ते हैं और ये जंक्शन रूट कहां कहां को जाती है, उस टॉपिक पे ऐसा वीडियो मैं लाने वाला हूं। तो कमेंट करके बताना तो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आज का टॉपिक यहां खत्म करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल, टेक केयर। अच्छा एक बात और पूछ लेता हूं आप लोगों से, टेक केयर से पहले, न्यू कुछ बिहार जंक्शन क्यों नहीं है बताना कमेंट करके। टेक केयर एंड जय हिंद।